वेरी गुड मॉर्निंग एस्पिरेंट्स, आज हम पढ़ेंगे 15 जून 2024 के करंट अफेयर्स। तो जल्दी से निकालें अपना पेपर पेन एंड करें वीडियो के साथ में ही अपनी नोट्स मेकिंग स्टार्ट। आज की फर्स्ट न्यूज है दैट वर्ल्ड एल्डर अब्यूज अवेयरनेस डे कब सेलिब्रेट किया जाता है। हर साल 15 जून को सेलिब्रेट किया जाता है, मतलब जो बुजुर्ग लोग हैं उनके साथ किस तरह से उन्हें एक्सप्लॉइट किया जाता है, किस तरह से उन्हें नेग्लेक्ट किया जाता है हाउस होल्ड में, तो उससे रिलेटेड थोड़ी सी अवेयरनेस लाने के लिए ये डे सेलिब्रेट किया जाता है। किसके द्वारा? यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली के द्वारा। वही चीज यहाँ पे लिखी है दैट दिस डे एम्स टू रेज अवेयरनेस अबाउट द अब्यूज नेग्लेक्ट एंड एक्सप्लॉइटेशन दैट ओल्डर पर्सन फेस। इम्पॉर्टेंट चीज है इस डे का थीम, तो इस साल का थीम रहा स्पॉटलाइट ऑन ओल्डर पर्सन इन एमरजेंसीज। सेकेंड न्यूज अगर हम देखें तो एक और डे है रिसेंटली जो सेलिब्रेट किया गया है, विच इज द वर्ल्ड विंड डे। कब? 15 जून को सेलिब्रेट किया गया। किसके द्वारा ये डे सेलिब्रेट किया जाता है? ये पूरा प्रॉपर सेलिब्रेशन किसके द्वारा होता है? विंड यूरोप एंड GWEC। क्या है GWEC? ग्लोबल विंड एनर्जी काउंसिल। तो ये तो आपको थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा कि ये डे किसके द्वारा सेलिब्रेट किया जाता है। क्यों? ताकि विंड एनर्जी को प्रमोट किया जा सके एज ए क्लीन एंड रिन्यूएबल सोर्स ऑफ पावर। एक क्लीन सोर्स है एनर्जी का, रिन्यूएबल सोर्स है एनर्जी का, ठीक है ना। इंडिया में अगर हम बात करें तो ये डे कौन सेलिब्रेट करता है? मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी। इनके द्वारा प्रॉपर जो है सेरेमनी या फंक्शन जो भी होता है वो होल्ड किया जाता है ऑन बिहाफ ऑफ दीज काउंसिल्स, ठीक है। थर्ड पॉइंट हम देखें तो ये थोड़ा अलग है। अब हम डे के बारे में नहीं जानेंगे, अब हम कुछ और पढ़ेंगे, है ना। चलिए थोड़ा सा हम बोल लें, साइंस एंड टेक से रिलेटेड है। 3 क्रेटर्स डिस्कवर्ड ऑन मार्स बाय साइंटिस्ट ऑफ फिजिकल रिसर्च लेबोरेटरी। देखिए अहमदाबाद बेस्ड एक लैब है, फिजिकल रिसर्च लेबोरेटरी, ठीक है। यहाँ के जो साइंटिस्ट है ना, उन्होंने मार्स के ऊपर 3 क्रेटर्स को डिस्कवर किया है। हम सोलर सिस्टम पढ़ते हैं, सोलर सिस्टम क्या होता है? सन एंड इट्स फैमिली, स्कूल से ही हम यही पढ़ते आ रहे हैं, मतलब सन, उनके उस सन और उसके प्लैनेट्स, जो प्लैनेट्स हैं उनके सैटेलाइट्स, बस इतना ही आता है सोलर सिस्टम में। एस्टेरॉइड्स, मेटेराइड्स, ये सब चीजें है ना। नाउ कितने प्लैनेट्स हैं? 8 है, मरकरी, वीनस, अर्थ, मार्स। तो जो फोर्थ प्लैनेट आ रहा है ना सन के डिस्टेंस के हिसाब से अगर हम बात करें, अर्थ तीसरा है, फोर्थ आता है मार्स। तो ये जो मार्स है इसके ऊपर 3 क्रेटर्स डिस्कवर किए गए हैं। अब कौन से रीजन में? थार्सिस वोल्केनिक रीजन में। अब देखिए इसके ये जो 3 क्रेटर्स है ना, इसके लिए नेमिंग भी की गई है और उस नेमिंग को अप्रूवल भी मिल चुका है IAU, इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन के द्वारा, ठीक है। अब इन तीनों के नाम क्या क्या रखे गए हैं? फर्स्ट है लाल क्रेटर, सेकेंड है मुर्सन क्रेटर, थर्ड है हिल्सा क्रेटर। अब किसी ना किसी के नाम पे ये रखे हुए हैं, बट इतना इन डिटेल जानने की जरूरत नहीं है, है ना। इतना पढ़ लिया कि 3 क्रेटर्स डिस्कवर किए गए, किसने किए, नेमिंग किसने की, कौन से रीजन में क्या नाम रखा गया, ये बहुत है, ठीक है। चलिए इसी के साथ फर्स्ट पेज हो गया कंप्लीट। कोई भी डाउट हो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। वीडियो पसंद आ रही हो लाइक जरूर कीजिएगा। इसी के साथ आप सभी से रिक्वेस्ट है कि वीडियो के साथ में नोट्स जरूर बनाएं। ये चीज नहीं होनी चाहिए कि हम बाद में नोट्स बनाएंगे, क्योंकि ये बाद वाला टाइम कभी भी नहीं आता है। आपको अभी इसी टाइम से नोट्स मेकिंग स्टार्ट करनी है, ठीक है। चलिए इसी के साथ सीधे चलते हैं अपने सेकेंड पेज की ओर। आज का फोर्थ पॉइंट है दैट G7 समिट हुई है रिसेंटली, कहाँ पे? इटली में हुई है। हमारे जो प्राइम मिनिस्टर हैं उन्होंने भी इस मीटिंग को अटेंड किया है। अब तीसरी बार पीएम मोदी बने हैं, मतलब नरेंद्र मोदी जी बने हैं पीएम इंडिया के। तो ये जो उनका टेन्योर स्टार्ट हुआ है ना, तो उस टेन्योर उस टर्म में उनका पहला फॉरेन ट्रिप है टू इटली। 50वां एडिशन हुआ है G7 समिट का। G7 क्या है? ग्रुप ऑफ 7, है ना। इंडिया की 11th पार्टिसिपेशन है G7 समिट में, लेकिन समझने वाली बात है कि इंडिया इज नॉट द मेंबर ऑफ दिस G7 ग्रुप, राइट। 11th टाइम इंडिया ने पार्टिसिपेट किया है G7 समिट में। G7 के बारे में बात करें, 1975 में इसकी फॉर्मेशन हुई थी। ग्रुप ऑफ 7 मतलब 7 कंट्रीज का ग्रुप है। कौन सी है वो 7 कंट्रीज? यूनाइटेड किंगडम, कैनेडा, फ्रांस, जर्मनी, इटली, जापान एंड USA। और यहाँ पे प्रेसिडेंसी जो है वो रोटेट करती है इन्हीं मेंबर कंट्रीज में हर एक साल से। एक साल यहाँ पे, एक साल इसके पास, एक साल इस कंट्री के पास, इस तरह से। प्लस G7 कंट्रीज जितनी भी हैं प्लस इंडिया, ये 8 कंट्रीज हो गई ना, तो ये पार्ट है G20 का, ठीक है। चलिए आगे चलिए, फिफ्थ पॉइंट अपना देखें। अपॉइंटमेंट है जिसके बारे में हम पढ़ेंगे, दैट न्यू डायरेक्टर जनरल ऑफ FICCI, फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री। FICCI के डायरेक्टर जनरल कौन बने हैं? ज्योति विज बनी है। इस ऑर्गेनाइजेशन, इस फेडरेशन के हेडक्वार्टर्स कहाँ पे है? न्यू दिल्ली में। अब देखिए आज हमें काफी सारे पॉइंट्स कवर करने हैं, तो इस पॉइंट को थोड़ा सा मैं स्किप कर रही हूँ। अगर आपने अभी तक नहीं वीडियो मेरे साथ देखी है, नहीं अगर आपने अभी तक FICCI के बारे में पढ़ा, थोड़ा सा आप गूगल करके देख सकते हैं। अदरवाइज नेक्स्ट किसी भी वीडियो में जब जिक्र होगा हम इसे डिस्कस कर लेंगे, ठीक है।
सिक्स्थ पॉइंट हम अपना देखें तो एक एयर सर्विस रिसेंटली लॉन्च की गई है जिसके बारे में हम पढ़ेंगे, पीएम श्री टूरिज्म एयर सर्विस। पीएम श्री टूरिज्म एयर सर्विस जिसे हिंदी में बात करें तो पीएम श्री पर्यटन वायु सेवा कह सकते हैं, लॉन्च किया गया है मध्य प्रदेश के जो सीएम है मोहन यादव जी उनके द्वारा। कहां से ये सर्विस लॉन्च की गई है, ये वायु सेवा लॉन्च की गई है भोपाल से। एमपी के सीएम ने भोपाल से ये एयर सर्विस या वायु सेवा लॉन्च की है, एक तरह से टूरिज्म को बढ़ाना है। लग भी रहा है पर्यटन को कैसे बढ़ाया जाए, एयर सर्विस चालू कर दो, है ना। तो पहली फ्लाइट भोपाल से जबलपुर तक जाएगी। एमपी में कुछ जो टूरिस्ट डेस्टिनेशन है, अच्छी जो सिटीज हैं उनको कनेक्ट किया जाएगा। वैसे नहीं भोपाल टू जबलपुर ही चलेगी, और भी कुछ सिटीज इसमें सेलेक्ट की गई है, बट पहली फ्लाइट जो है वो भोपाल से जबलपुर तक चली है। भोपाल से ये स्कीम, ये वायु सेवा लॉन्च की गई है, और जितने भी मेजर टूरिस्ट स्पॉट हैं मध्य प्रदेश में उन सबको कनेक्ट किया जाएगा इस वायु सेवा के थ्रू। ऑपरेट किसके द्वारा किया जा रहा है, एमपीटीबी मध्य प्रदेश टूरिज्म बोर्ड के द्वारा, टू प्रमोट टूरिज्म इन द स्टेट। राइट, अब एक फेमस सिटी से दूसरी फेमस सिटी तक ट्रेवल करना इजी हो जाएगा, बस में, कैब में, ट्रेन में, नहीं धक्के खाने पड़ेंगे, सीधे बिल्कुल उड़ के आप एक जगह से दूसरी जगह पहुंच जाओगे, है ना। तो थोड़ा टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिए ये सर्विस स्टार्ट की गई है मध्य प्रदेश में। सेवन पॉइंट अपना देखिए तो देखिए, थर्ड टेन्योर प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी का स्टार्ट हुआ है, तो थोड़ी सी पोर्टफोलियोज में भी शिफ्टिंग हुई है। वैसे तो हमने पढ़ लिया है कुछ इंपॉर्टेंट से, है ना, लेकिन ये नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर कौन अपॉइंट किए गए हैं, अजीत डोवल। प्रिंसिपल सेक्रेटरी टू पीएम पीके मिश्रा, ये दो आपने एसडीज याद रखनी है, ठीक है। चलिए इसी के साथ, अगेन कोई भी डाउट हो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। वीडियो पसंद आ रही हो लाइक जरूर कीजिएगा। इसी के साथ देखिए, आप सब चाहें तो जीएस हैंड रिटन नोट्स भी परचेज कर सकते हैं, जिसमें जर्नल साइंस के अलावा आपको हर एक सब्जेक्ट के नोट्स मिल जाएंगे। हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, करंट अफेयर्स, आर्ट एंड कल्चर, इन सभी सब्जेक्ट्स के नोट्स आपको मिल जाएंगे। नोट्स परचेज करने का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है। चलिए तो अब सीधे चलते हैं अपने थर्ड पेज की ओर। आज का एट्थ पॉइंट है दैट मिजोरम स्पोर्ट्स कॉन्क्लेव 2024, दो दिन की कॉन्क्लेव थी, इजावल 13-14 जून को हुई है, विच इज द कैपिटल ऑफ मिजोरम। थीम क्या रहा इस कॉन्क्लेव का, विजन 2036। अब देखिए, इंडिया ने बिडिंग की है कि हम 2036 का ओलंपिक्स जो है वो होस्ट करेंगे। अभी रिजल्ट नहीं आया, देखते हैं क्या होता है, लेकिन उस टाइम ओलंपिक्स पे ज्यादा से ज्यादा पार्टिसिपेशन नॉर्थ ईस्ट से, स्पेशली मिजोरम से देखने को मिले, तो इसलिए यहाँ पे जो भी यंग टैलेंट है उसे हंट करने के लिए, नर्चर करने के लिए स्पोर्ट्स कॉन्क्लेव मिजोरम में हो रही है, ठीक है। अभी फाइनल नहीं है कि होस्ट करेगा इंडिया, है ना, अभी तो जस्ट एक विजन है, बिडिंग की है, देखते हैं जो भी रिजल्ट आएगा हम पढ़ेंगे जैसे कोई अनाउंसमेंट होती है, ठीक है। नाइन्थ पॉइंट अपना देखें, सो मालाबार रिवर फेस्टिवल, ये जो मालाबार रिवर फेस्टिवल है कहां पे हो रहा है, कोझिकोड केरला में हो रहा है, 10th एडिशन है। फर्स्ट एडिशन 2013 में हुआ था, 10th एडिशन 2024 में हो रहा है। ये व्हाइट वाटर कायकिंग चैंपियनशिप है, है ना, एक अलग से मतलब पानी वाली चैंपियनशिप है, ऐसे याद रख लो। ऑर्गेनाइज की गई किसके द्वारा, ये भी इंपॉर्टेंट है, केरला में हो रही है, तो केरला टूरिज्म डिपार्टमेंट प्लस डिस्ट्रिक्ट टूरिज्म प्रमोशन काउंसिल प्लस कोझिकोड डिस्ट्रिक्ट पंचायत, इन तीनों के द्वारा मिलके ये मालाबार रिवर फेस्टिवल कंडक्ट करवाया जा रहा है, ऑर्गेनाइज करवाया जा रहा है, ठीक है। आगे चलिए, 10th पॉइंट अपना देखें, अगेन एक स्कीम के बारे में हम पढ़ेंगे, ठीक है। स्कीम का नाम है मुख्यमंत्री मनुईर काथु मनुईर कापम स्कीम, ठीक है, तो ये आपको एज इट इज याद रखना होगा। लॉन्च की गई है तमिलनाडु के सीएम एम के स्टेलिन के द्वारा। क्यों, इस स्कीम का एम क्या है, ताकि जो सॉइल हेल्थ है तमिलनाडु में उसे इम्प्रूव किया जा सके। कैसे सॉइल हेल्थ को हम इम्प्रूव कर सकते हैं, एसिडिक हो गई है तो बेसिसिटी डाल के, बेसिक हो गई है तो एसिडिटी डाल के, है ना, एसिडिक कोई चीज डाल के। होता क्या है कि सॉइल चाहिए होती है फर्टाइल, अगर उपजाऊ होगी तो प्रोडक्शन अच्छी होगी, प्रोडक्शन अच्छी होगी तो पैसा अच्छा होगा, ये बात है। अगर बंजर जमीन है, नहीं प्रोडक्शन हो पा रही, तो उसके लिए कुछ ना कुछ फर्टिलाइजर्स, कुछ ना कुछ गोलमोल करते हैं और फिर उसको उपजाऊ बना के फिर प्रोडक्शन करवाते हैं, क्योंकि प्रोडक्शन होना तो जरूरी है, है ना, खाने की चीजें भी चाहिए और उगाने वालों को पैसा भी चाहिए, है ना। तो बस इस स्कीम के अंडर सॉइल हेल्थ के बारे में बात की गई है कि कैसे हम उसे इम्प्रूव कर सकते हैं। इस स्कीम का बजट रखा गया है 206 करोड़, एंड इट एम्स टू इम्प्रूव द हेल्थ एंड फर्टिलिटी ऑफ सॉइल अक्रॉस द एरिया। पर्टिकुलर तमिलनाडु स्टेट की स्कीम है, तमिलनाडु में कैसे सॉइल हेल्थ एंड सॉइल फर्टिलिटी को इम्प्रूव कर सकते हैं उसके ऊपर ये स्कीम है, ठीक है। 11th पॉइंट अपना देखते हैं, 1 मिनट ट्रैफिक प्लान, ये एक बड़ा सही इनिशिएटिव है ना। सो ये इंट्रोड्यूस किया गया है शिमला सिटी, शिमला में
हिमाचल प्रदेश में किसके द्वारा? पुलिस के द्वारा टू ईज कंजेशन। ये जो जब टूरिस्ट एक टाइम चलता है ना, एक सीजन चलता है, तो उस टाइम पे टूरिस्ट इतना हो जाता है कि लोकल लोगों को मतलब 1 किलोमीटर ऑफिस तक जाने में आधा आधा घंटा लग जाता है। और ये सच्ची बात है, शिमला में रोड्स इतने चौड़े नहीं है, है ना, जैसे फोर लेन टाइप, और वो बन भी नहीं सकते क्योंकि सिटी इस तरह से बनी है कि अब कुछ इससे हो नहीं सकता। मतलब मेन सिटी में तो नहीं कर सकते, हाँ बाईपास करके साइड से जा सकते हैं, वो तो उन्होंने काफी अच्छा कर दिया, लेकिन ये जो कंजेशन की दिक्कत है शिमला में, कैसे हम इसे जो है हैंडल कर सकते हैं? तो वहां की स्टेट पुलिस या शिमला पुलिस ये अलग से प्लान लेकर आई है, 1 मिनट ट्रैफिक प्लान। इसके अंदर क्या होगा, 1 मिनट को आप किस तरह से तोड़े कि ट्रैफिक आपका सही से चले। अच्छा, ये ना 40-20 सेकंड रूल बोल लो या 30-30 सेकंड रूल लेकर आए हैं। इसमें क्या होगा, जैसे 1 मिनट में 60 सेकंड होते हैं, तो हर 500 मीटर के बाद ये क्या करेंगे, मान लो यहाँ पे आपका 500 मीटर का डिस्टेंस है, यहाँ पे लाइट्स लगाएंगे, यहाँ पे इस हिसाब से 40 सेकंड के लिए ट्रैफिक छोड़ेंगे और 20 सेकंड के लिए रोकेंगे। तो ये 40 सेकंड में जो कारें छूटेंगी यहाँ से, ये बिल्कुल आगे पहुंच जाएंगी। 40 सेकंड बहुत होते हैं ट्रेवल करने के लिए, अगर खुला रास्ता है, जाम नहीं है, है ना, ट्रैफिक जाम नहीं है, ट्रैफिक है तब तो 2 घंटे भी कम रह जाते हैं। चलो 40 सेकंड में ये आगे निकल जाएंगे तो ये सारा रोड जो है वो खाली हो जाएगा, फिर 20 सेकंड पॉज करने के बाद ये जो यहाँ पे खड़ी है वो फिर आगे चलेंगी। तो हर 500 मीटर के बाद ये हॉल्टिंग डिस्टेंस लगाया जाएगा ताकि थोड़ा सा ट्रैफिक के ऊपर काम किया जा सके। अब कितना सक्सेसफुल होता है देखेंगे, बट ये कोई नई स्कीम नहीं है, हर बार शिमला में ऐसा चलता आ रहा है, ऐसा करते हैं वो ताकि ट्रैफिक को थोड़ा आगे आगे निकाला जा सके, क्योंकि साथ में चले रहेंगे, ये हॉल्टिंग वाला सिस्टम नहीं होगा तो बिल्कुल जाम लाइनें लगी रहेंगी, थोड़ा सा एक कार आगे जा रही है, दूसरी भी आगे जा रही है, तो साथ साथ में वो चला रहता है। ठीक है, तो बहुत ऐसा कोई ये रूल नहीं है कि आपने पूरी थ्योरी समझनी है, सिंपल है। 1 मिनट ट्रैफिक प्लान रीइंट्रोड्यूस किया गया है शिमला सिटी में पुलिस के द्वारा टू ईज कंजेशन। हॉल्टिंग डिस्टेंस 500 मीटर से ज्यादा नहीं होगा, 40-20 एंड 30-30 का सेकंड रूल है, बस कहानी कोई नहीं पूछता एग्जाम में, है ना, वो तो अपनी अंडरस्टैंडिंग के लिए होती है। चलिए, तो अब इसी के साथ ये पेज भी हो गया कंप्लीट, बट अभी एक पेज और पढ़ना है, तो थोड़ा सा पेशेंस मेंटेन करने की जरूरत है। इसी के साथ देखिए, आप सब चाहें तो मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं, आप सब चाहें तो मुझे टेलीग्राम अकाउंट पे ज्वाइन कर सकते हैं, इन दोनों चीजों का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है। तो चलिए अब सीधे चलते हैं अपने फोर्थ और अपने लास्ट पेज की ओर। आज का 12th पॉइंट है दैट जोशी मठ का नाम चेंज करके रखा गया है ज्योतिर्मठ। कहाँ पे है ये जोशी मठ? उत्तराखंड के चमोली डिस्ट्रिक्ट में, बट अब इसे जाना जाएगा एज इन ज्योतिर्मठ। इसी के साथ कौसिया कुटोली, इसका नाम भी चेंज किया गया है, ये भी नैनीताल डिस्ट्रिक्ट उत्तराखंड में था, अब इसका नाम रखा गया है परगाना श्री कैंची धाम। तो अब इनका सिग्निफिकेंस आप चाहें तो गूगल कर सकते हैं, बट फिलहाल बहुत सारे करंट अफेयर्स पढ़ने हैं तो थोड़ा स्किप करते हैं। इसका सिग्निफिकेंस आपका अपनी नॉलेज के लिए होगा, है ना, एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से कोई नहीं पूछता, बस नाम रिनेमिंग हुई है, कहाँ पे लोकेटेड है, इतना ही पूछेंगे। सारे छोटे छोटे पॉइंट्स हैं, फटाफट से कवर अप करते हैं। यूनाइटेड नेशंस हाई कमीशन फॉर रिफ्यूजीज, है ना, इस ऑर्गेनाइजेशन की एक रिपोर्ट आई है जिसके हिसाब से 120 मिलियन पीपल हर साल ग्लोबली जो है वो डिस्प्लेस किए गए हैं, बस इतना आपको ध्यान रखना है, ठीक है। 14th पॉइंट हमारा आता है कि एक पॉपुलर फूड गाइड है, मतलब फूड के ऊपर जो डेटा एनालाइज करके रिपोर्ट लाता है, जिसका नाम है टेस्ट एटलस। सो टेस्ट एटलस के हिसाब से आमरस फ्रॉम इंडिया इज द वर्ल्ड्स बेस्ट डिश मेड विद मैंगोज। आमों से बनाया जाने वाला आमरस जो है दुनिया की बेस्ट डिश है जो आम से बनाई जा सकती है, ठीक है भी, और बिल्कुल कोई डाउट वाली बात ही नहीं है। चलिए 15th पॉइंट हम देखें तो न्यू आर्मी चीफ बांग्लादेश के कौन बने हैं? लेफ्टिनेंट जनरल वाकिर उज़्ज़मान बने हैं। 16th पॉइंट हमारा आता है दैट इंडिया इज वर्ल्ड सेकेंड लार्जेस्ट एमिटर ऑफ नाइट्रस ऑक्साइड। पूरी दुनिया में इंडिया दूसरा ऐसा देश है जो नाइट्रस ऑक्साइड को सबसे ज्यादा जो है वो एमिट करता है। ये डेटा किसके हिसाब से है? अकॉर्डिंग टू द ग्लोबल मैनमेड एमिशंस ऑफ N2O पब्लिश्ड इन द जर्नल अर्थ सिस्टम साइंस डेटा। ये एक जर्नल है जिसके अंदर डेटा पब्लिश किया गया था नाइट्रस ऑक्साइड के बारे में, वहां से ये डेटा सामने आया है, ठीक है। अब देखिए, ये है हमारा आज का लास्ट पॉइंट एंड देन हमारा वीडियो हो जाएगा कंप्लीट। सो 17th पॉइंट हमारा है दैट ग्लोबल पीस इंडेक्स GPI 2024 पब्लिश किया गया है किसके द्वारा? IEP इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक्स एंड पीस के द्वारा, ठीक है। ग्लोबल पीस इंडेक्स माने कहां पे कैसे कितनी शांति बनी हुई है ना, कुछ कंट्रीज का डेटा एनालाइज करके फिर रैंकिंग देते हैं। सो इट प्रोवाइड्स अ कॉम्प्रिहेंसिव मेजर ऑफ ग्लोबल पीसफुलनेस, हर एक कंट्री में नेशनल लेवल पे कितना पीस मेंटेन है उसके ऊपर यहां पे बात की जा रही है ना। सो द एवरेज डिग्री ऑफ ग्लोबल पीसफुलनेस फेल बाय 0.56% इन 2024। पिछले साल से अगर कंपेयर करें तो ये जो शांति बनी रहनी चाहिए, ये जो पीसफुल वाला जो रैंकिंग है ये इंक्रीज नहीं हुई है, ओवरऑल डिक्रीज हुई है, मतलब ज्यादा वायलेंट हो गए हैं लोग, ये समझ लो 0.56% से डिक्रीज हुई है।
सबसे ज्यादा पीसफुल कंट्री है आइसलैंड एंड सबसे कम पीसफुल कंट्री है येमेन, ठीक है ना। चलिए ये चीजें कुछ कुछ आपको याद, जैसे ये मोस्ट पीसफुल कंट्री, लीस्ट पीसफुल कंट्री, अच्छा कितनी डिग्री से डिक्रीज हुआ है, किसने इंडेक्स रिलीज किया है, बस ऐसे ही क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं, है ना। चलिए अब इसी के साथ आज के करंट अफेयर्स हो गए कंप्लीट। कोई भी डाउट हो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। वीडियो पसंद आ रही हो लाइक जरूर कीजिएगा, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, सो दैट मैं जैसे ही कोई वीडियो अपलोड करूं सबसे पहले नोटिफिकेशन आपके पास पहुंचे। प्लस जो भी आपके फ्रेंड्स हैं जो भी गवर्नमेंट एग्जाम्स के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं उनके साथ भी मैं चैनल का लिंक जरूर शेयर करें, सो दैट इन हैंड रिटन नोट्स का उन्हें भी कुछ फायदा हो सके। तो चलिए फ्रेंड्स आज के लिए इतना ही, अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। सो दैट्स इट एंड सी यू सून।